हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो ब्रांच अकाउंट का मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो अभी इसमें दो तीन चीज़ नया सीखने मिलेगा, ठीक है? तो आज टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग एकदम प्यार से स्टार्ट करते थे। तो व्हाट वी हैव गिवन, प्रिपेयर मद्रास ब्रांच अकाउंट, मतलब मद्रास का ब्रांच अकाउंट बनाने का हेड ऑफिस कहीं और है, राइट? और इधर एडजस्टमेंट दिया डेप्रिसिएशन 10%। तो क्वेश्चन टेबल में क्या नया चीज़ दिया मालूम है क्या? देखो, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये सब एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट। ये एसेट्स है। तो एसेट्स शोस डेबिट बैलेंस, आपको मालूम है ये अपना क्या है, ब्रांच अकाउंट है। तो जो एसेट्स होता है ना, उसको डेबिट में लिखने का। एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस किधर रहेगा? डेबिट में। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर रह जाएगा? क्रेडिट में। एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। अगर लाइबिलिटीज दिया रहेगा ना, तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अगर एसेट डेबिट में आता है, प्रॉपर्टी डेबिट में आता है, तो लाइबिलिटीज क्रेडिट में। तो आ जाओ, तो अपने पास किसका बैलेंस दिया? स्टॉक का। स्टॉक का कितना दिया? 356। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता ना यार। डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है 28,000। कितना दिया है? 28,000। तो डेटर भी एसेट्स है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। पैटी कैश 500 ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट में आएगा। उसके बाद फर्नीचर दिया है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट में आएगा। अब उसके नीचे क्या नाम दिया? देखो, क्रेडिटर्स दिया। क्या दिया है? क्रेडिटर्स 12,000। तो क्रेडिटर्स डेबिट में नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को आपको किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा? इसलिए मैंने क्रेडिटर्स को कहाँ लिखा? क्रेडिट में लिखा। तो एक नया आइटम आ गया तुमको। तो एसेट्स किधर आएगा? डेबिट में। और लाइबिलिटीज किधर आएगा? क्रेडिट में। सिंपल। अभी एसेट्स के चार नाम है ना, ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग किधर आ जाएंगे, है ना? मैंने बोला ना, मेले में चार बच्चे को घुमाने लेके गए, तो घर पे भी चार ही बच्चे आएगा ना अपना यार। yes. तो छोड़ के आएंगे एक को नहीं। तो ये चार बैलेंस ओपनिंग है, तो क्लोजिंग में भी कितना रहेंगे? चार रहेंगे। तो मैंने नाम यहाँ लिख दिया, अमाउंट बाद में सर्च करेंगे। सिमिलरली बैलेंस कैरी डाउन किसका? ये क्रेडिटर्स का। तो फिर इधर लिखेंगे, ये ब्रॉड डाउन रहता है, ओके। इधर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे? बैलेंस किसका? क्रेडिटर का। किसका आएगा इधर? क्रेडिटर का। ऑपोजिट में आता है ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। एक यह नया चीज समझ में आ रहा है। चलो आज अभी पोस्टिंग करते हैं। अभी क्या बोला इधर? गुड सेंड टू ब्रांच। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे? ब्रांच का बना रहे। किसका बना रहे? ब्रांच। गुड सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को माल मिला, हेड ऑफिस ने दिया, तो मिला किसको? ब्रांच को। तो ब्रांच को गुड्स आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। गुड्स आया डेबिट, गुड्स रिटर्न किया तो क्रेडिट में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच किधर रहेगा? डेबिट में। तो कितने का गुड्स आया मालूम है? 10,44,000। तो लेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच 10,44,000। ओके, सिंपल। यस। अब इसके बाद क्या दिया है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, मतलब माल गुड्स क्या क्या अपन ने रिटर्न किया ब्रांच। हाँ, किसने रिटर्न किया? ब्रांच से। तो ब्रांच ने दिया ना, तो ब्रांच के पास से माल जा रहा है, तो जा रहा तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। तो बाय गुड्स रिटर्न, तो कितने का माल रिटर्न किया? 17,200। तो देखो, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच 17,200। ओके, अभी वापस से पढ़ो के गुड्स रिटर्न क्या दिया है? गुड्स रिटर्न। किसने रिटर्न किया? कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या हो गया? अपन क्या बना रहे हैं? हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस और ब्रांच, तीन दोनों का जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करना है। कस्टमर तो थर्ड पार्टी हो गया ना। हाँ। तो कस्टमर ने रिटर्न किया, वो वाला पार्टी इसमें नहीं आएगा, ब्रांच में नहीं आएगा। कस्टमर वाला डेटर अकाउंट में आएगा। क्या आएगा? तो अपनों को हेड ऑफिस ब्रांच, ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस में लिखने का। तो ये वाला ट्रांजेक्शन को अपन ओमिट कर देंगे, पोस्ट नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। क्या ये? डेटर अकाउंट में आएगा। कौन सा अकाउंट में आएगा? उसको वटा दो, छोड़ो। अभी नेक्स्ट क्या दिया पढ़ो? क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया, पैटी कैश का क्लोजिंग दिया, फर्नीचर का नहीं दिया, मतलब फर्नीचर ढूंढना पड़ेगा ना इसमें। तो मैंने बोला ना, ओपनिंग बैलेंस किधर रहेगा? डेबिट में। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर रहेगा? क्रेडिट में ना। तो स्टॉक का कितना बैलेंस दिया? 376,800। ओके, स्टॉक का बैलेंस कितना दिया? 376,800। डेटर्स का कितना दिया? 1,92,000। डेटर्स 1,92,000। और पैटी कैश मतलब जो रोकड़ा बचा, कैश मतलब रोकड़ा 240। फर्नीचर दिया क्या? नहीं, नहीं। तो इसको सर्च करना पड़ेगा, तो ये सिखा दो, ठीक है, कैसे आएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया? क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स यहाँ नहीं लिखेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे ना क्रेडिटर्स को, क्योंकि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आया ना, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, ओपनिंग इधर आएगा और सब इधर ही लिखेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? क्रेडिटर्स, इसलिए मैंने लिख दिया लाइबिलिटीज। तो 12,000 किधर आ जाएगा मालूम? तुम्हारा डेबिट में आ जाएगा। किधर आ जाएगा? तो एक आइटम नया, लाइबिलिटीज इधर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग इधर है, एसेट्स ओपनिंग इधर, एक यह नया आइटम है। अभी क्या दिया पढ़ो? चेक सेंड। चेक दिया किसको? दिया ब्रांच को। दिया क्यों दिया? खर्चे के लिए दिया। तो ब्रांच को दिया मीन्स ब्रांच ने रिसीव किया, पैसा आया। वेरी गुड। तो ब्रांच जो पैसा है तो लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे इधर? टू कैश। तो काय के लिए पैसा है? एक्सपेंस के लिए आया पैसा। काय के लिए पैसा है? तो 99,740 डेबिट में आएगा, मतलब ब्रांच को खर्चे के लिए पैसा दिया।
तो हेड ऑफिस से गया ना, तो ब्रांच को आया इसके लिए यहाँ लिखा। नेक्स्ट क्या दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मतलब कस्टमर से पैसा वसूल किया है। कैश सेल मतलब रोकड़ा में माल बेचा, तो ये जो जो ब्रांच माल बेचता है वो पैसा रिटर्न करके किसको देगा मालूम है, हेड ऑफिस को देगा ना। ब्रांच जो भी सेल करेगा वो पैसा रिकवर करके किसको देगा, मालिक को देगा ना यार, पैसा रिकवर करके किसको देगा, मालिक को। इधर लिखेंगे कैश सेल्स, क्या लिखेंगे इधर, कैश सेल्स कितना दिया है, तो कैश अकाउंट लिखेंगे, तो कैश सेल मतलब रोकड़ा बेचा, तो कैश सेल्स में कितना बेचा, 64,000, मतलब रोकड़ा में 64,000 बेचा है। और नेक्स्ट क्या दिया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा वसूल किया 12,78,000, तो वो भी इधर ही आएगा 12,78,000। क्या हेडिंग रहेगा, कैश अकाउंट। ये पैसा क्या किया, ब्रांच ने रेमिट किया, सेंड किया किसको, मालिक, हेड ऑफिस को सेंड किया, राइट। तो अभी क्या याद हो गया, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट्स, गुड्स आया, गुड्स गया, खर्चे के लिए पैसा आया ब्रांच के पास, और ब्रांच ने पैसा गुड्स को बेच के पैसा कैश का क्या, रिटर्न किया, और लाइबिलिटीज ओपनिंग इधर, लाइबिलिटीज क्लोजिंग इधर। तो और क्या बचा, रीड करते हैं अभी, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस बाकी है ना यार, तो फर्नीचर कितना था अपने पास, जो 12,000 था, फर्नीचर कितना था 12,000, पर इधर क्या बोला, डेप्रिसिएशन हुआ है कितना परसेंट, मतलब 10% वैल्यू कम हो गया ना फर्नीचर का, तो फर्नीचर कितना था अपने पास, 12,000 था, तो 12,000 पे 10% कितना आ जाएगा, 1200, तो 1200 क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, तो 10,800 बचेगा, कितना बचेगा 10,800, तो 12,000 में से 1200 क्या किया गया, कम कर दिया ना, तो 10,800 कितना बचा, 10,800। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस का पोस्टिंग, ओके। सेकंड इफेक्ट नहीं आता है, सेकंड नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे ना अपन, सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, तो बैलेंस करेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा आएगा, सपोज क्या अमाउंट ज्यादा आएगा, क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में से डेबिट क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट करके डाल देंगे, जनरल नेट प्रॉफिट करके डाल देंगे, मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट क्या है, कम है। तो बैलेंस तो बाद में भी कर सकते हैं, मैंने तुमको पोस्टिंग आना चाहिए, राइट। तो एक सम तुम्हारे लिए प्यार से मैंने सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर है, और क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके बच्चे लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी इसका हार्डर सम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, नेक्स्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तुमको हेल्प हो जाएगा, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।